अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में अगेन जो कि है जॉब्स आई है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ हाउसिंग अथॉरिटी, जिनकी तादाद 280 है। तो इस जो वैकेंसीज़ को मैंने स्प्लिट किया है फॉर प्रोविंस में, फर्स्ट में जो है मैंने सिंध की अलर्ट दे दी है, ये सेकंड है पंजाब की। इस वीडियो में जो है मैं पंजाब की कोटा जो उन्होंने दी है उसमें ये आपको स्प्लिट करके मैंने आपके सामने लाई है, इसको जो है पूरा डिस्कस करूंगा। इसमें जॉब टाइटल्स डिस्कस करूंगा, एज की रिक्वायरमेंट और ये कैसे अप्लाई करना है, डेफिनेटली मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले फर्स्ट पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है, ये है इंस्पेक्टर इनलैंड की, सॉरी इंस्पेक्टर रेवेन्यू। और इसकी जो पोस्ट हैं दो हैं, मैक्सिमम एज 35 है, सेकंड क्लास आर्टिकल ग्रेजुएशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो है बिल्डिंग इंस्पेक्टर है BA 16 की, उसकी भी दो वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं, 35 इसकी मैक्सिमम एज है और डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट थर्ड है जो उसकी दो वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं, एज की बात है 30 मैक्सिमम होनी चाहिए, सेकेंड क्लास भेजी डिग्री जो होनी चाहिए आपके पास, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस मैंडेटरी है। स्टेनोटाइपिस्ट BA 16 की 9 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं फॉर पंजाब, इंटायर पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसकी 30 दी गई है, सेकंड क्लास जो है डिग्री होनी चाहिए विद 80/40 यानी शॉर्ट 180 वर्ड्स और 40 वर्ड्स आपको टाइपिंग स्पीड रेस्पेक्टली आनी चाहिए, यानी ये कंप्यूटर लिटरेसी प्रेफरेबल होगी, आपको लाजिम होनी चाहिए स्किल इसकी। सब इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल BA 14 की 5 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं, एज की बात की जाए तो 30 है। एजुकेशन में जो दी गई है डिप्लोमा हो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में, तो यू कैन अप्लाई ऑन इट, आप अप्लाई कर सकते हैं। छठी जो है अपर डिवीजन क्लर्क BA 11 की 10 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं पूरे पंजाब से, आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 इसकी जो है मैक्सिमम एज है, इंटरमीडिएट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क 26 वैकेंट पोजीशंस हैं फॉर पंजाब और इसकी एज जो है 30 है, मैक्सिमम मैट्रिक इंटरमीडिएट हो, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी लाजम स्किल होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर BA 14 की 9 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं, 30 इसकी मैक्सिमम एज है और 10,000 की डिप्रेशन पर आवर हो डेटा एंट्री या वेरिफिकेशन के लिए, मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए यानी 1 आवर में आपको जो है 10,000 कीज प्रेस करनी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है इंक्लूडिंग मेरिट पे मोर देन 80 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं, मगर ये प्योरली जो पंजाब बेस पे थी इसको मैंने अलग कर दिया, 65 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जॉब हो आप जिसमें आप फिट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द फॉर्म अवेलेबल विच इज़ ऑन वेबसाइट, जो वेबसाइट है www.fgeha.gov.pk, इस पे ये जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, इस पे जाइए, वहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है। मगर अप्लाई करने से पहले लाजम आपको बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है वहाँ पे ही मिलेगी, उसको डिपॉजिट करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आपसे कुछ बैंक की डिटेल वो पूछेगा, जस्ट लाइक चालान जो है चालान का नंबर, उसको उसकी कॉपी आपको जो है अपलोड करनी है वहाँ पे उसकी पिक्चर लेके। तो चालान फॉर्म भी उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मौजूद है, वहाँ पे भी आप उसको डाउनलोड करने के बाद किसी भी अस्करी बैंक में 100 रुपीज़ का ये चालान है, किसी भी वर्ल्ड वाइड जो है सॉरी कंट्री वाइड जो है ऑनलाइन ब्रांचेस में अस्करी बैंक में अकाउंट नंबर पे आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, वो अकाउंट नंबर भी उस पर प्रिंटेड हुआ हुआ है, जस्ट आपको जो है अपनी डिटेल फिल करनी है और 100 पेमेंट करनी है, उसके बाद उसकी जो है पिक्चर लेके उनके पोर्टल पे अपलोड करनी है। इसकी लास्ट डेट जो है 20 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी जॉब अलर्ट्स आपसे मिस ना हो। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।